इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक चम्मच बेसन लूंगी, एक चम्मच हम इसके अंदर चंदन पाउडर डालेंगे जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में, गोरा करने में, लाइटन करने में हमारी बहुत मदद करेगा। दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच नारियल का तेल जो स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। हल्दी के बिना दोस्तों ये रेमेडी बिल्कुल अधूरी है, तो मैंने एक चौथाई चम्मच, मेरे पास चम्मच बहुत छोटा है, तो आपने एक चौथाई चम्मच हल्दी लेनी है जो हमारी स्किन को क्लीन करेगी, हाइड्रेट रखेगी, सॉफ्ट करेगी और हमारी स्किन से जो बैक्टीरिया है उन्हें रिमूव करेगी, सन टैन को ख़त्म करके चेहरे को, हमारी स्किन को, हमारी नीज को, हमारी नेक को प्रॉपरली क्लीन करने में हमारी काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों बॉडी को लाइटन करने में लेमन जूस बहुत बढ़िया होता है, तो लेमन जूस की मदद से हमें इसका पेस्ट बनाना है। आपने लेमन जूस को अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ देना है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क जिससे इसका एक पेस्ट बनके तैयार हो सके। तो दोस्तों ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल इस लेमन से करें तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। आपने इस लेमन को इस रेमेडी के अंदर मिक्स करना है, डिप करना है और अपनी बॉडी के ऊपर स्क्रबिंग करनी है। आपने अपनी कुहनियों को अच्छी तरह से इससे क्लीन करना है, अपनी नेक को अच्छी तरह से क्लीन करना है क्योंकि नेक के ऊपर सबसे ज़्यादा सन टैन होता है और कई लोगों की नेक काफ़ी ज़्यादा काली होती है, तो आपने इसके अंदर इसे अच्छी तरह से डिप करना है और इसी की मदद से अपनी स्किन को क्लीन करना है, हाइड्रेट करना है, सॉफ्ट करना है ताकि हमारी स्किन बहुत खूबसूरत दिख सके और हमारी बॉडी निखर कर बाहर आए। तो आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल वीक में 3 बार करना है। अगर हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल टीनएजर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 10-12 साल के हैं तो आराम से आप उन पर इस रेमेडी का इस्तेमाल करें ताकि उनकी स्किन एकदम से क्लीन हो सके। अगर उनके पैर बहुत ज़्यादा काले हैं, सन टैन हो गया है, तो भी ये रेमेडी उनको क्लीन करेगी। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए, वीक में 3 बार इसका इस्तेमाल करें और फिर नीचे आके वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। देखिएगा आपकी स्किन कितनी निखर कर बाहर आएगी।